बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। हार्वर्ड एकेडमी CSS, PMS, FPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वन पेपर हैं या थ्योरी के हैं, तो सब की तैयारी ऑनलाइन करवाती है। और सीनियर ऑडिटर का हम कोर्स कर रहे हैं। पहले हमने सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आप हमारा कोर्स वेबसाइट www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। कंसेप्चुअल सारे हमने थारोली लेक्चर्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब हमने इल्मी वालों की पहले MCQ पैटर्न की बुक को कवर कर रहे हैं, और उसके लेक्चर नंबर 7 को आज हम करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जितने भी मार्केट्स में बुक्स हैं, उनको भी कंसेप्चुअली हम कवर करें। सिर्फ MCQ पैटर्न पर रट्टा नहीं, बल्कि कंसेप्चुअल हम तरीके से उनको कवर करें। तो आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो है द कंसेप्ट दैट देर आर नो रेलिवेंट डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट कैन जस्टिफाई अन इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नोन। कि ऐसा कंसेप्ट जिसमें लोग डिफरेंसेस उनमें नहीं पाया जाता और वो कहीं पे भी अन इक्वल ट्रीटमेंट को जस्टिफाई ना कर सकें, यानी कि हर जगह पे इक्वल ट्रीटमेंट उनकी होती हो, किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हों, तो इस कंसेप्ट को इक्वलिटेरियनिज्म कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है और अनजस्टिफाइड कहीं पे भी आप नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते कि कहीं अन इक्वल ट्रीटमेंट हो, तो ये इक्वलिटेरियनिज्म होता है, यानी कि जो कि इक्वलिटी से निकला है, इक्वलिटेरियनिज्म। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो 62, द लिमिटेड राइट्स एंड कोरिलेटिव ड्यूटीज दैट अराइज। कि जो राइट्स और कोरिलेटिव ड्यूटीज कब अराइज होती हैं, व्हेन वन पर्सन एंटर्स एन एग्रीमेंट विद एन अदर पर्सन इज डेफिनेशन ऑफ। तो जब एग्रीमेंट में एंटर किया होते हैं और लीगली आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जस्टिस, स्पेशल ऑब्लिगेशन, लीगल राइट्स। तो इसकी डेफिनेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सोशलिस्ट व्यू ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो सोशलिस्ट इनफैक्ट है क्या? सोशलिस्ट ये होता है कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक का इक्वल राइट है, और वो इक्वली उनकी काबिलियत के मुताबिक उनके वो जितना कर सकते हैं उनसे वो काम लिया जाए, और जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा किया जाए। तो ये है सोशलिस्ट व्यू। तो इसमें देखते हैं डेफिनेशन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो ये फिट आता है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। द बेनिफिट्स अ पर्सन रिसीव्स शुड बी प्रोपोर्शन टू हिज कंट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना वो कंट्रीब्यूट करता है उतना ही उसको बेनिफिट मिले। तीसरे में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम ईच देश चूज टू ईच एज दे आर चूजन। वो ऐसे ही चूज़ करें जितना उनको चूज़ किया जाता है, यानी कि उनकी काबिलियत वगैरह पे डिफरेंस है यहाँ पे। ऑलवेज ट्रीट ह्यूमैनिटी एज एन एंड इन इटसेल्फ रैदर देन एज अ मीन्स। मीन्स के बजाय ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो जो इसका सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका आंसर ए फिट बनता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो लोग हैं उनकी काबिलियत से उनके काम की उनसे काम लिया जाए, और जितनी उनमें ज़रूरत है, जो जितनी उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो आंसर ए है हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है फैक्चुअल एविडेंस, यानी कि हकायक पर मबनी शहादत जो हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमेशा पाई जाती हैं, टाइम बाउंड होता है यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक्यूरेट, रेलिवेंट, कंप्लीट। तो इसमें जो एक्सेप्ट का लफ्ज़ है कि इसमें कौन सा फिट नहीं आता, तो ये जो आंसर ए है, ऑप्शन ए ये हमारा है, ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो हकायक होते हैं या जो शहादत होती है, एविडेंस है, वो एविडेंस ही रहती है, वो टाइम बाउंड नहीं होती। तो यानी एक्यूरेट भी होनी चाहिए, रेलिवेंट भी होनी चाहिए और कंप्लीट भी होनी चाहिए, तभी हम उसको एविडेंस की प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर वो टाइम बाउंड कहेंगे इतने टाइम के लिए ये है बाकी नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो एक्सेप्ट का जो लफ्ज़ है टाइम बाउंड, हमारा आंसर यहाँ पे होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच कंट्री लॉकीज प्रॉपर्टी राइट्स हैव बिन इन्फ्लुएंशियल। कि लॉकी जो एक थ्योरिस्ट है, सोशलिस्ट है, एक पॉलिटिशियन भी, आप उसकी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं लॉकी की, जॉन लॉकी इसका नाम है, और इसका प्रॉपर्टी राइट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर अमेरिका में है। तो आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीक, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस जो है प्रॉपर्टी राइट्स की है, इसको काफ़ी हद तक इसके नज़रिए को पजीराई मिली हुई अमेरिकन सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूटिलिटेरियनिज्म इज अनएबल टू डील विद द फॉलोइंग काइंड ऑफ मॉरल इश्यूज। के जो यूटिलिटेरियनिज्म है कि नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक आपने काम लेना है, जो आपकी हो यूटिलिटेरियनिज्म को आपने देखना है, फोकियत करनी है, तो इसमें राइट्स और जस्टिस को इग्नोर किया जाता है इसमें यूटिलिटेरियनिज्म में। तो हम राइट्स और जस्टिस इन दोनों को इग्नोर किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर सी जो हमारा ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी को इग्नोर किया जाता है। ये अनएबल है टू डील विद द फॉलोइंग काइंड ऑफ इशूज़, ये मॉरल इशूज यूटिलिटेरियनिज्म में कंसिडर नहीं किए जाते राइट्स और जस्टिस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67, व्हाट आर द लेवल्स ऑन विच इथिकल डिसीजन मेकिंग अकर्स। कि इथिकल डिसीजन मेकिंग जो है, यानी कि इखलाकी जो फैसला साजी है, ये किस बेस पे बनाई जाती है, इंडिविजुअल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, बिजनेस सिस्टम पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इस इथिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो हर जगह पे अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका है, प्राइवेसी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। कि जो सीक्रेसी या प्राइवेसी है इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव राइट है, बेसिक नीड है, नेगेटिव राइट है, नन ऑफ द अबव। तो ये नेगेटिव राइट है, यानी कि राइट तो है लेकिन बात ये नेगेटिव होती है, जो अल्टीमेटली आपको प्राइवेसी उसकी सिक्योर रहनी चाहिए किसी की भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69, विच थ्योरी इंक्लूड्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग वंस लेबर। कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें शामिल होते हैं, और जो अपनी मेहनत मजदूरी के बदले में अपना मुआवजा मांगता है उसको वो भी मिलना चाहिए, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मीन ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, साथ में उसको उसकी मेहनत का सिला भी मिलना चाहिए। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है, तो ये थ्योरी है कैपिटलिस्ट सिस्टम में इसको माना जाता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ सेलिंग वंस लेबर राइट उसको मैसर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू। अगर यहाँ पे इनकम का लफ्ज़ ना होता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वगैरह या इक्वलिटी ऑफ राइट्स वगैरह, तो फिर इक्वलिटी इसका ऑप्शन होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनकम और अपॉर्चुनिटी दोनों का जो इक्वलिटी की बात की है, तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी को फोकस किया गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। और अपनी वीडियो को भी लाइक करें, और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी अकेडमी को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। आप लोगों को पहले ही हमने वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, harvardacademy.com, और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई आपकी क्यूरी हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं 0333-570-6226। अल्लाह हाफिज़।